बुलडोजर का आविष्कार इंजीनियरिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटना थी। असल में हाल में चर्चा में आए बुलडोजर का आविष्कार खेती किसानों के कामों के लिए किया गया था। पूरी दुनिया में बुलडोजर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में गंदगी, पत्थर, मलबे को धकेलने के लिए किया जाता है। ये खानों, खदानों, खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। लेकिन भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में इसके अनेकों प्रयोग होने लगे हैं। अभी हाल ही में बाबा जी का बुलडोजर चरम प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है। बाबा जी का बुलडोजर क्राइम रोकने के लिए बिना रोक टोक यूज किया जा रहा है। बाबा के बुलडोजर ने क्रिमिनल्स के मध्य खौफ पैदा कर दिया है। अतिक्रमण तोड़ो अभियान में बाबा के बुलडोजर का खौफ ऐसा है कि लोगों ने अपने मकान स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया। मकानों के बाहर मकान बिकाऊ है के बैनर चस्पा हो रहे हैं। 40% दुकानदार बेरोजगार हो गए। अब बुलडोजर को क्या मालूम वो क्या कर रहा है। संवैधानिक या असंवैधानिक ये करवाने वाले से पूछो। हमारे प्रजातांत्रिक देश में किसी की क्या मजाल जो बुलडोजर के ऐसे प्रयोग पर सवाल भी उठा सके। डर ऐसा है कि हमारी प्रशासनिक व न्यायिक संस्थाएं भी खामोश हो गई या खामोश कर दी गई। माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्यवाही ने पॉपुलरिटी की सभी हदें पार कर दी है। बुलडोजर को क्या मालूम कि जो मकान तोड़ा जा रहा है उसमें और भी लोग रहते हैं। पिछली मास्टर स्कीम सन 1985 में आई थी। आज सैटेलाइट से बनाए गए नक्शे के अनुसार अतिक्रमण तय किया जा रहा है, जबकि सैटेलाइट कैमरे से ली गई तस्वीर में 1985 की तुलना में कम से कम एक वर्ग मीटर एरिया की त्रुटि होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर है कि अतिक्रमण के नाम बेरोक टोक पूरे शहर को ठोक रहा है। अब जाकर ऐसा आभास हुआ कि आखिर भारत हजारों वर्ष ऐसे ही डर की वजह से गुलाम क्यों रहा। कहा जा सकता है कि विकास विध्वंस की जननी है। धनी व्यापारियों को छोड़ शेष 70% उजाड़े जा चुके हैं। इन्हें पनपने के लिए एक और जिंदगी चाहिए होगी। क्या बुलडोजर का प्रयोग संवैधानिक है। बुलडोजर के प्रयोग की आज्ञा देने वाले के माइंडसेट के बारे में क्या कहा जा सकता है। क्या संविधान की अवहेलना की जा रही है। बताएं आप क्या सोचते हैं।